हेलो फ्री फायर लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं कि आप ब्लेंडर से वीडियो को कैसे फास्ट रेंडर कर सकते हैं। तो भाई काफी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि हम वीडियो को कैसे फास्ट रेंडर कर सकते हैं, जो हमारा एनिमेशन है हम कैसे फास्ट रेंडर करें। तो भाई ब्लेंडर काफी टाइम ले लेता है वीडियो को रेंडर करने में, एंड सीरियसली भाई आपको काफी टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो मैं सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, इनसे आप काफी फास्ट रेंडर कर सकते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर भाई मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है, मेरी तरह, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कोर i3 सेकंड जन प्रोसेसर है, 2 कोर्स हैं एंड 4 GB रैम है, एंड कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। एक नॉर्मल पीसी अगर आपके पास मेरी तरह पीसी है या मेरे से भी लो एंड है, तो आप यूज करो लिनक्स OS। लिनक्स OS में काफी स्मूथ ब्लेंडर चल जाता है, एंड जो आपकी वीडियो होगी वो काफी फास्ट ब्लेंडर होगी एज कम्पेयर टू विंडोज। यहाँ पर भाई मैं यूज कर रहा हूँ लिनक्स, एंड बहुत सारे बंदे पूछेंगे भाई आप कौन सा लिनक्स यूज कर रहे हो। भाई मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ लिनक्स मेंट। एंड अब ये मत बोलना कि लिनक्स OS को इंस्टॉल करना, भी बता दो कि लिनक्स OS को कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर भाई मैं आपको भी सेटिंग्स बता देता हूँ जिनसे आप अपनी वीडियो को काफी फास्ट रेंडर कर सकते हो। यहाँ पर अभी जो इसकी सेटिंग्स है डिफॉल्ट सेटिंग्स है, मैंने सेटिंग्स को चेंज नहीं किया। एंड यहाँ पर भाई मैंने एक कैमरा ऐड कर रखा है, एंड मैं यहाँ पर आपको रेंडर करके दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी जो एनिमेशन है वो रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक फर्स्ट फ्रेम नहीं आया, एंड मैं यहाँ पर जो पार्ट है उसको स्किप नहीं करने वाला। आपको वेट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें कितना स्लो एनिमेशन रेंडर होता है, जो आपका एनिमेशन होता है वो कितना स्लो रेंडर होता है। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रेम आ चुका है, एंड इसमें कोई लाइट वगैरह अभी तक मैंने ऐड नहीं कर रखी, सिर्फ ब्लू ऐड है जो इन विंडोज में, और कोई मैंने लाइट ऐड नहीं की। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्रेम है रेंडर हो चुका है, एंड इसको थोड़ा सा टाइम लगा है। एंड मैं यहाँ पर से क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं आपको जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ उनसे जो आपका एनिमेशन है काफी फास्ट रेंडर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रेंडर प्रॉपर्टीज का, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। एंड अगर आपने यहाँ पर साइकिल चूज कर रखा है रेंडर इंजन में, अगर आपने साइकिल चूज कर रखा है तो आपको ईवी ले लेना है। ईवी में जो एनिमेशन होता है काफी फास्ट रेंडर होता है, तो यहाँ पर आपको ईवी ले लेना है। देन यहाँ पर आपको रेंडर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 64 होगा, तो यहाँ पर इसको 1 कर देना है। एंड अगर आपने यहाँ पर एनवीएन इंक्लूजन स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन एंड मोशन ब्लर को ऑन कर रखा है, तो इनको अनटिक कर दें, इनसे आपकी जो वीडियो होती है काफी स्लो रेंडर होती है। एंड अगर आपने मेरी तरह ग्लो ऐड कर रखा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो ही ब्लूम वाला ऑप्शन को चेक करना है, अदरवाइज चेक नहीं करना, क्योंकि ये भी आपकी जो वीडियो रेंडर होती है उसको स्लो कर देता है। तो यहाँ की जो सेटिंग थी हो चुकी है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है आउटपुट प्रॉपर्टीज के ऊपर, एंड यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ले लेना है 1280x720। एंड यहाँ पर ये 100% है, इसको 50% कर दें, इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है डाउन हो जाएगी 50%, लेकिन जो आपका एनिमेशन होगा थोड़ा सा फास्ट रेंडर होगा, तो इसको आप 50 कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ये टाइम लेगा, एंड आप इसे 100 भी रख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है, तो यहाँ पर और सेटिंग्स मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं चेंज करने वाला। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आउटपुट, तो आउटपुट आपको यहाँ पर चाहिए कि आपकी वीडियो फाइनल रेंडर होने के बाद आपको कहाँ पर चाहिए, वो आउटपुट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर आपको जो फाइल फॉर्मेट है वो, अगर आप इमेज रेंडर कर रहे हो तो यहाँ पर PNG बाय डिफॉल्ट है, एंड अगर आपको एक एनिमेशन रेंडर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ले लेना है FFmpeg। एंड देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इनकोडिंग का, इस पर जो ये एरो है आपको सिंपल क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ले लेना है MP4। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है MPEG4, यही आपको ले लेना है, ये MP4 फॉर्मेट है, इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। देन यहाँ पर भाई जो है H.264 होगा, इसको आपको नहीं चेंज करना। एंड अगर आपका PC अच्छा है तो यहाँ पर आप हाई क्वालिटी के साथ जा सकते हो, अगर आपका PC नॉर्मल है तो आपको इसको नहीं चेंज करना है। यहाँ पर इनकोडिंग स्पीड है, इसको आपको यहाँ पर कर देना है रियल टाइम पर। अगर मैं आपको अभी रेंडर करके दिखाता हूँ एनिमेशन, तो अभी काफी फास्ट रेंडर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कितना फास्ट रेंडर हो रहा है, एज कम्पेयर टू पहले से काफी ज्यादा फास्ट रेंडर हो रहा है, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो खराब होगी, जाहिर सी बात है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो यार लाइक तो कर ही दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलूंगा ऐसी और न्यू वीडियो में, तो बाय फ्री फायर लवर्स। When there's no hope, loving for you who